महोबा से खबर आ रही है, जहां ग्राम पंचायत पिपरा माफ के बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन द्वारा लगभग 5 गौवंशों को बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिसमें एक की मौत भी हो गई। ग्रामीणों ने गौवंशों को सड़क किनारे रखकर उनके इलाज हेतु पशु डॉक्टर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पशु डॉक्टर नारायण दास ने सभी गौवंशों का इलाज किया। ग्रामीणों की माने तो कुछ गौवंश गौशाला के बताए जा रहे हैं। समाज सेवी हर्ष रिछारिया, पंकज राजा, महेंद्र सिंह, राकेश आदि का कहना है कि अगर गौवंशों को सही ढंग से उनकी देखभाल करके गौशाला में रखा जाता तो ये घटना नहीं घटती। ये हादसा कैसे हुआ? ये आज का हादसा पहला हादसा नहीं, इसके पहले दो बार और हादसा हो चुका है। अभी पाँच दिन पहले एक गाय की मौत हो चुकी थी, जबकि दो दिन पहले एक एक्सीडेंट यहीं आगे और हुआ था, जिसमें एक गाय बुरी तरह से चोटिल हो चुकी थी और जो यात्री थे वो भी घायल हो गए, जिनको तत्काल हम लोगों ने नौगांव अस्पताल पहुँचाया। क्योंकि ये रोड MP और UP दोनों का समकक्ष होता है, और यहाँ जो गौशाला है, गौशाला के जानवर हैं, और रात में गौशाला में अगर जानवर बंद रहे तो साथ जो इसका घटना हो। ये गायों के साथ में कैसे घटना घटी? सुबह रात को 12 होने की वजह से सभी जो गौशाला के जानवर और अन्य जानवर जितने हैं वो रोड पे आ जाते हैं जी। तो सवेरे 4:45 बजे के लगभग जो वाहन निकला तो उसने उनको रौनते हुए निकल गया जी, है जिससे छः गौवंश बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, और एक की मौत ये आए दिन होता है जी। और क्योंकि जानवर है वो रोड बस्ती के किनारे आता है, और कोई घटना ना हो तो इस हाईवे पे जहाँ जहाँ ऐसे गांव के वो हैं वहाँ पर ऐसे ब्रेकर बना दिए जाए ताकि वाहनों की जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम नारंदास रैकवार। ये जो गायों के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो इसका कैसे क्या आपने ट्रीटमेंट किया? कितनी गाय घायल हुए? हमारे गांव के जो मौके पर हर्षवर्धन छारिया जी हैं, उन्होंने हमारे बड़े साहब जो VLO साहब हैं वीर प्रताप सिंह राजपूत जी, उनको जानकारी दी कि यहां पे जो एक्सीडेंट हो गया है 5-6 गाँव का। तो हमने डॉक्टर साहब के अनुसार इन गायों का ट्रीटमेंट किया और गायों गाँव वाले का। क्या नाम है आपका? कल्लू यादव। गौशाला में कौन से पद प्रकार कर रहे? काम कर रहे, कब चरवाहा है। अच्छा, ये गायों का जो एक्सीडेंट हुआ है किस वजह से हुआ है? हमें क्या पता किस वजह से हुआ, वाहन से कौन गला से हुआ है बस। दादाजी क्या नाम आपका? गौशाला में आप क्या कौन से पद पर कार्य कर रहे हैं? ये गायों का जो एक्सीडेंट हुआ है किस वजह से हुआ है? गौशाला में सारे जो है अन्य जानवर हैं जो गौशाला में, वो क्यों नहीं रहती हैं? अब जब के हैं जब बड़े हम को कहेगा हाँ।